प्रदेश में बिजली अभियंताओं की टूल डाउन हड़ताल के चलते पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पर है। खुद ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटिया आंदोलन की पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं। साथ ही अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि किसी भी सूरत में आपूर्ति व्यवस्था में खलल न आए। आंदोलन को देखते हुए डिस्कॉम प्रशासन की तैयारियों को लेकर MD अजीत सक्सेना से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विकास शर्मा ने। प्रदेश भर के कनिष्ठ अभियंता आज से टूल डाउन हड़ताल पर हैं, जिसके चलते बिजली आपूर्ति व्यवस्था जो है उस पर संकट मंडराता जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है जयपुर डिस्कॉम के MD, उनसे बात करते हैं कि क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई, क्योंकि प्रदेश भर के अभियंता जयपुर में एकजुट हो गए हैं और यहाँ पर टूल डाउन हड़ताल का निर्णय कर लिया है, बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, पहली बात तो ये कि कल प्रयास किए गए थे, अभियंताओं से बातचीत भी की गई थी, लेकिन बातचीत जो है रंग नहीं ला पाई। आज सभी लोग यहाँ जयपुर में एकत्र हो गए हैं, हालांकि कल सख्ती पर निर्देश में निकाला गया था। अब क्या वैकल्पिक व्यवस्था फील्ड में की गई ताकि उपभोक्ताओं को दिक्कतें नहीं हो? सर भाई, देखिए पिछले 3-4 दिन से इनसे बराबर वार्ता चल रही है। फ्राइडे को भी काफ़ी डिटेल में बात हुई थी, उसके मिनट्स भी जारी किए थे। उसके बाद कल इन माननीय मंत्री महोदय 1 घंटे के सिर्फ रिक्वेस्ट पे हमारी इन लोगों से बात करने को तैयार हो गए थे और इनसे काफ़ी डिटेल में बात की थी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनर्जी भास्कर सावंत जी, चेयरमैन जो हमारे चेयरमैन भी हैं, टी रविकांत सर जो चेयरमैन हैं, वो भी मौजूद थे। इनको हर तरीके से ये बताया गया कि भाई हम आपकी डिमांड्स के विषय में पूरी तरह से फाइनेंस के आगे रखेंगे। फ्राइडे को जब इनसे बात की थी तो इनके 4 प्रतिनिधियों को लेकर के मैं स्वयं फाइनेंस में जाके आया था, ठकराल साहब से मिल के आया था और वहाँ पे मेवाराम जी भी मौजूद थे। उनकी सारी बातें हमने अपनी बताई थी और इनकी पीड़ा भी बताई थी। तो उन्होंने ये कहा था एक फ्रेश रिप्रेजेंटेशन हमको दे दो, उसको हर तरह से एग्जामिन करा लेते हैं। इन लोगों को ये लगता है कि कुछ डिपार्टमेंट्स राजस्थान सरकार के ही ऐसे हैं, जैसे रिको है या माइंस है, उसमें ग्रेड पे ज़्यादा है JEE की। तो उन्होंने कहा हम सारी चीज़ें एग्जामिन करा के जो बेस्ट पॉसिबल होगा वो आप लोगों के लिए करेंगे। अब लेकिन इन सब चीज़ों के में लगता है समय। कल भी जब बात हुई तो इनको यही कहा गया था कि 20-25 दिन का तो समय दें, 4-5 हफ्ते में। और मतलब चेयरमैन साहब ने भी कहा था कि वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस से अपने लेवल पे बात करेंगे और टी रविकांत सर ने भी ये कहा था कि वो फाइनेंस में जा करके इनके साथ भी जाने को तैयार है। उनका मैं आपके साथ चला चलूँगा जब भी एक बार वहाँ एग्जामिनेशन हो जाए कि भाई आपकी डिमांड्स में क्या चीज़ मीट आउट हो सकती है। तो सर अब आंदोलन अभी भी बात कर रहे हैं, नीचे अनिश्चितकालीन आंदोलन की बात कर रहे हैं, अगर शाम तक भी यहाँ रुकते हैं या लंबा आंदोलन खिंचता है, अभी आपने वैकल्पिक व्यवस्था क्या की ताकि उपभोक्ताओं को दिक्कतें नहीं हो? सर भाई हमारा जो सीनियर ऑफिसर्स व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसके अंदर सारे SCA जोनल चीफ इंजीनियर्स वगैरह जुड़े हुए हैं, उसमें एक मैसेज कल ही कर दिया था, दिन में भी बात हो गई थी तीनों जोनल चीफ इंजीनियर से, कई SC से भी मैंने पर्सनली बात कर ली थी और ये कह दिया था कि भाई किसी भी तरीके से उपभोक्ता को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये लोग बराबर ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि ये सप्लाई को बाधित नहीं करेंगे, हम ये कह रहे हैं हम शांतिपूर्ण ही रखेंगे अपने धरने को। तो फिर भी हमने जो है क्या कहते हैं AENs वगैरह को ये निर्देशित करवा दिया गया SCs के द्वारा कि भाई कोई भी कंप्लेंट हो, कहीं भी कोई सप्लाई का ब्रेकडाउन हो तो उसको तुरंत प्राथमिकता से अटेंड करें जिससे किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हो। एज ऑन टुडे अभी मुझे ऐसा नहीं महसूस होता कि किसी भी तरीके की कोई उपभोक्ता को परेशानी होगी। ये थे जयपुर डिस्कॉम MD, जिन्होंने अपील करी है कि अभियंता अपनी जिम्मेदारी को समझे और उनकी मांगों के प्रति प्रशासन गंभीर है, फाइनेंस में भी इस पूरे मामले में बात की जाएगी, ऐसे में उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और काम पर लौटना चाहिए ताकि उपभोक्ताओं को दिक्कतें नहीं हो। अब उम्मीद यही है कि अभियंता भी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और जिस तरह से प्रशासन ने सकारात्मक रुख दिखाया वैसे वो भी सकारात्मक रुख दिखाएंगे। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़ जयपुर।